ये देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है हम लोग द्वापर युग में आ गए हैं। हेलो गाइज, ये हमारे यादव जी और ये हम पंडित जी। तो आज हम लोग आए हैं नेपाल घूमने। जंगल 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 जंगल, नदी पहाड़ ना, सॉरी पहाड़ नहीं, जंगल पता चला है। जंगल जंगल घूमते हुए और कई नदियां क्रॉस करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कि नेपाल में है ये गांव। इस गांव का नाम है नौरंगिया। एक आदमी नौ कलर का रंग बदलता है, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा है नौरंगिया। ठीक है, तो इस गांव की बहुत बड़ी कहानी है और बहुत लंबी कहानी है। कभी फुर्सत में आएंगे फिर सुनाएंगे। फिलहाल आप नाम जान लीजिए और याद रखिएगा, कभी मैं सुनाऊँ तो आपको याद रहना चाहिए। और मैं चश्मा लगा के बात करता हूँ, एक मिनट। अच्छा नहीं लग रहा, निकाल देता हूँ। सही है। तो यादव जी, आपका गांव है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या का कहें, का कहें और काका बताएं। नौरंगिया की जब लौड़े आए नौरंगिया की जब लौड़े आए नहीं, यूपी के चरस और गांजा उड़ाए भाई, इसमें भाई साहब यहाँ चरसी बहुत है, बहुत चरसी, चरस और गांजा उड़ाए। चलो भाई, के पीछे अभी यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तो आपको जंगल और नदी दिखाते हुए चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ बगल में एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है, आप देखेंगे मजा आएगा, उसको झूला पुल कहते हैं। अभी जब यहाँ से वापस जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, मजा बहुत आएगा। तो ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है और क्या दिखता है हम लोगों को। अरे का सीटियो भाई, तो प्रथम काय चला अपने न वो बनवाई तो अब चाहे कई छपा है वा। हमारे वीडियो बनाई थे बाबा ना। अच्छा। ठीक है। तो गाइज लोग, अब वक्त आ गया है वो ब्रिज दिखाने का, जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था बैठकर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है ब्रिज, ये टोटली लोहे का बना हुआ है और बीच में नदी है। तो जिसको भी नदी पार करना होता है वो इसी ब्रिज से पार करता है। इस पे सिर्फ पैदल और साइकिल और मोटरसाइकिल ये सब जा सकती हैं, और जो कार वगैरह हैं वो सब नहीं जा सकती हैं। और ये तो अभी दोपहर का टाइम है, शाम को अगर हम लोग आते तो इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा व्यू दिखता आपको। इस साइड में सनराइज होता है, यानी ईस्ट साइड है ये, और ये वेस्ट साइड है, इधर सनसेट होता है। इतना गजब का सीन बनता है ना भाई साहब, कभी सुबह या शाम को आप आना और देखना इसको, बहुत अच्छा लगता है। हम कई बार आए हैं बट ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन अभी क्या है कि मैं दोपहर में बना रहा हूँ तो वो सीन दिख नहीं रहा आपको। और ये देखो, मोटे मोटे लोहे की पाइप से ये सब बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब इस पे चलेंगे तो गिर जाएंगे या कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इधर से नदी क्रॉस होती है, ये नदी, तो इधर से ये नदी इधर को जाती है, और इसी नदी को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ब्रिज है, इस पर आप अगर ऐसे ऐसे हिलते हैं तो ये झूला भी झूलाता है, इसलिए इसे लोग झूला पुल भी कहते हैं। बहुत आनंद आता है, और बीच में आने के बाद इतनी अच्छी शानदार हवा आती है ना कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैं दोपहर में धूप में खड़ा हुआ हूँ। तो अभी चलते हैं वापस और आप लोगों को जंगल दिखाते हैं, कैसा कैसा रास्ता है। बरसात होने के बाद रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है, तो चलिए देखते हैं रास्ता कैसा होता है। हम लोग तो आए हैं देखे हैं, लेकिन अभी आपको दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा रास्ता। ठीक है, फिर हम लोग चल रहे हैं। ओके, ये है नेपाल और ये है नेपाल की भेड़ और बकरियाँ, ये चल रही हैं, धूप में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और वो देखिए जो पिलर बना हुआ है, वही नेपाल और इंडिया का बॉर्डर डिसाइड करता है। ये दो लड़के चढ़ा रहे हैं और ये दो लड़के छगड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग नेपाल में हैं और वही जो पिलर है वो क्रॉस करेंगे तो इंडिया में हो जाएंगे। तो अभी हम लोग एक मिनट में इंडिया में पहुंचने वाले हैं, और आगे जल्दी जंगल दिखाते हैं आपको। जब हम लोग नेपाल क्रॉस करते हैं इंडिया में, तो
ऊपर एक नदी बहती है, क्योंकि तो नदी मैंने आपको ब्रिज के पास दिखाया था ना, वही नदी है, तो उसको भी क्रॉस करना पड़ता है पानी में हल्के। अभी हम अपनी बाइक को कूदाएंगे नदी में, आप देखिएगा कैसा माहौल बनता है। ये घूम रही है बाइक, जा रही है नदी में, ये अभी आप देखिएगा पानी में होके जाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग पार हो चुके हैं नदी, अब एंट्री कर रहे हैं जंगल में। आप देखिए कैसा माहौल बनता है जंगल का। जंगल में जाने के बाद इतना ठंडा फील होता है, इतना ठंडा फील होता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि गर्मी का मौसम चल रहा है। तो ये आ गया जंगल, अभी ये तो साइड का जंगल है, अभी बीचों बीच जंगल में चलकर आपको दिखाते हैं कैसा सीन होता है। बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही अच्छा सीन होता है जंगल में। तो यहाँ भी कुछ ऐसे चारा खा रही है, चर रही है, क्योंकि जंगल में लोग खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, इसलिए लोग जंगल में जाती हैं और नदी में जाके पानी पीती हैं और आराम से जाके अपने घर में बैठकर पागुर लेती हैं। अभी आपने देखा उधर भेड़ बकरियाँ, उसके बाद आपने भैंस देखा, अब आप देखेंगे गाय। ये देखिए गाय भी चर रही हैं, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग द्वापर युग में आ गए हैं। बहुत ही आनंदमय सीन लग रहा है। ये देखिए साढ़ चाचा भी आ रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं, थोड़ा दूर से जाना पड़ेगा। ये छोटा बछड़ा अभी क्या है दोस्तों कि एक नदी और पार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक नदी पार करके जा नहीं सकते। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि नदियाँ पड़ती हैं, नदियाँ मतलब एक से अधिक नदी होती हैं, और जंगल पड़ता है, पहाड़ नहीं पड़ता है, पहाड़ थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आप रास्ता देख सकते हैं कितना ख़राब रास्ता है, और ये बरसात में और भी ख़राब हो जाता है। अभी तो बरसात होके थोड़ा रुक गया है बरसात, तो इतना ख़राब है, लेकिन अगर बरसात होता ना तो इधर से जाने में इतनी दिक्कत होती कि जो आपको जाने में एक घंटा लगता है, वही रास्ता जाने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। देखिए दोस्तों ये है जंगल, बहुत ही भयंकर जंगल है। अभी फिर भी ये खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते रहेंगे वैसे वैसे जंगल और भी खतरनाक दिखता रहेगा। ये हमारी गाड़ी चल रही है, यादव जी चला रहे हैं और हम अंदर जाते जा रहे हैं। ये देखिए रास्ते में एक पेड़ गिर गया है, तो सीधा नहीं जा सकते हैं, घूमना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे पेड़ रास्ते में बहुत सारे गिरते रहते हैं, ये तो आम बात होती है जंगलों में। और ये जंगल इतना ख़तरनाक है ना दोस्त, इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे तेंदुआ, भालू, बंदर, हिरन, सुअर, तो ये सब रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है ना कि जब रास्ते पे लोग आते जाते रहते हैं वो लोग रास्ते से थोड़ा दूर होके रहते हैं, लेकिन रात में वो लोग आते जाते हैं, रात में नहीं डरते क्योंकि रात में कोई आता जाता नहीं है। लेकिन दिन में वो थोड़ा रास्ते से दूर रहते हैं, क्योंकि यार जानवर भी इंसानों से डरते हैं, क्योंकि इंसान आज का इतना ख़तरनाक हो चुका है कि इंसान खुद ही जानवर हो चुका है, तो जानवर ही इंसान से डरने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, जब मेन जंगल आता है मतलब और घना जंगल, वो दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। तो गाइज अब शुरू हो गया है मेन जंगल, क्योंकि इधर इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि अगर बाइक आप तेज़ी से चलाते हैं तो आपको चोट भी लग सकती है। इतना पतला रास्ता है, पेड़ पौधे रास्ते में आ रखे हैं, आप देख रहे हैं ना इतना घना जंगल है। खुशबू जामुन वाली आ रही है। आप लोग तो अगर गांव में रहते हैं तो ठीक है, जामुन का खुशबू आपको पता होगा, नहीं तो जामुन के बीज का चूर्ण बनता है,
बहुत, अरे यार खतरनाक रास्ता जंगल का। तो देख सकते हैं आप बहुत ही घना जंगल है। दोस्तों अगर आप भी नौरंगिया गांव की तरफ आना इधर से, तो दिन में आना और दिन में ही वापस हो जाना, क्योंकि क्या है ना, इतना घना जंगल है, कोई भी जानवर कभी भी आ सकता है, और अगर आप उसके रास्ते में पड़ जाएंगे तो आप पर अटैक भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग सावधान रहिएगा। और ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि पेड़ गिरना बहुत ही आम बात है, तो एक और सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ये देखिए हम लोग, ये घूमना पड़ा हम लोगों को, रास्ता बदलना पड़ा क्योंकि वो रास्ता बंद है वहाँ पे। यारो जंगल का जो रास्ता होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है। तो जो आपके ग्रुप में स्किल ड्राइवर होगा, जो अच्छे से उसको ड्राइविंग आती होगी, उसी को देना गाड़ी चलाने के लिए। नहीं तो अगर आप नए नए सीखे हैं और गाड़ी चला रहे हैं और जंगल में आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो अच्छे से चला लेता है उसी से गाड़ी चलवाइएगा, तो वो सेफली आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ये देखिए ये पगडंडी जैसा रहता है रास्ता, तो स्किल ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए दोस्त, पालतू से जानवर, पालतू है। तो दोस्तों अभी क्या चल रहा है, इधर धान की रोपाई बहुत जोरों शोर से चल रही है। देखिए इंजन चल रहे हैं, ये नदी है जो मैंने आपको बताया था ना कि अभी एक नदी और पार करना पड़ेगा, तो ये वही नदी है जो मैंने आपको बताया था। और धान की रोपाई चल रही है, किसान लोग भिड़े हुए हैं, धूप ऊप नहीं लग रहा है उनको, लग रहा है बट क्या करें, वो करना पड़ता है उनको। और वैसे भी जंगल ख़त्म नहीं हुआ है, बीच में गांव था, जंगल थोड़ा कम था और अभी जंगल पड़ेगा इधर। ये देखिए इधर जंगल ही है अभी, तो अभी हम लोग को एक नदी और पार करना है जो कि आ रहा है धीरे धीरे। तो डायरेक्ट आपको नदी में ही दिखाते हैं। तो देखिए ये है वो नदी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, नदी पार करके जाना पड़ता है। चलो आइए आराम से। वैसे बरसात अभी बंद हो गई है ना, इसलिए इसमें नदियों में पानी ज़्यादा है नहीं, लेकिन इतना तो हमेशा चलता रहता है, बारिश रहे ना रहे। उतरना पड़ेगा क्या? नहीं उतरना पड़ेगा। यादव जी एकदम स्किल्ड ड्राइवर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइब्रिड ड्राइवर, हाइब्रिड ड्राइवर है और क्या। ये देखिए फिर से एक पेड़ रास्ते में गिरा हुआ है, लेकिन क्या है कि इसमें जाने की जगह है तो जा सकते हैं, रास्ता नहीं बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग इतना लंबा गाड़ी चला के, दो नदी पार करके, इतना घना जंगल पार करके बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा किनारे पे पहुंच गए हैं, जंगल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन किनारे पे आ गए हैं, इधर ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। जंगल है बट उतना घना जंगल नहीं है, आप देख सकते हैं ज़्यादा घना जंगल नहीं है। ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, इसी पे हम दोनों लोग आए हैं। कतई दमदार गाड़ी है भाई साहब, स्प्लेंडर प्लस जो भी है। तो ये यादव जी, ये हमारे स्किल ड्राइवर, ये गाड़ी चला रहे थे,
बहुत ही तगड़ा गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी ये नहीं बोला इन्होंने कि उतर जाइए अभी ये क्रॉस करना पड़ेगा, बैठ के क्रॉस नहीं होगा। तो ये तगड़ा गाड़ी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कभी आएँ तो इनको ड्राइवर के रूप में हायर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम लोग थक गए थे गाड़ी चला चला के बैठ के, तो थोड़ा रुक के रेस्ट कर रहे हैं और आपको जंगल थोड़ा और दिखाते हैं इधर का कैसा जंगल है। तो आप लोग देखिए जंगल कैसा है, मज़ा लीजिए। अभी हम लोग जंगल से बाहर आ चुके हैं, घर दिखने लग गए हैं और अब तो कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल। इधर इधर हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं गांव में, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रास्ता भी सही होगा, लोग भी मिलेंगे, जानवर मिलेंगे तो वो पालतू जानवर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीधा घर चल रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी लोग जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि जंगल कैसा होता है, वहाँ का रास्ता कैसा होता है, वहाँ कौन कौन से जानवर मिल सकते हैं। तो आप उनको शेयर करिए और आप भी अगर खुद घूमने जाइएगा तो जो बातें मैं वीडियो में बताया हूँ उसका ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।